नाउ आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एसक्यूएल के अंदर डीडीएल डीएमएल और डीसीएल कमांड्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसक्यूएल बेसिकली एक डेटाबेस लैंग्वेज है और इसके अंदर हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए एसक्यूएल की कुछ कमांड्स लिख सकते हैं। सो इन्हीं कमांड्स को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि हैं डीडीएल डीएमएल और डीसीएल कमांड्स। अब सबसे पहले अगर बात करें डीडीएल कमांड्स की, जैसे कि हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, तो डीडीएल कमांड्स बेसिकली हमारे डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करती है या कहें डायरेक्टली स्कीमा या स्ट्रक्चर पर अप्लाई होती है, जैसे कि हमारी क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड या ड्रॉप कमांड वगैरह। बात करें अगर डीएमएल कमांड्स की, जैसे कि हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, सो बेसिकली इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, जैसे कि हमारी इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड या डिलीट कमांड वगैरह, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को मॉडिफाई या मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज डीसीएल कमांड, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, जिसके द्वारा हम राइट्स या परमिशंस को दे सकते हैं या उन्हें रिवोक कर सकते हैं। और इसके अंदर आती है हमारी ग्रांट और रिवोक जैसी कमांड, जिनके द्वारा हम परमिशंस को ग्रांट कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं।